अभी कहा, अभी तो आगे भी बहुत कुछ देखना है उसको। साली हमको हांक रही थी। बुझा, और कितना टाइम लगेगा? परमिट जेब में लिए घूम रहे हैं हम। बहुत जल्दी है ठाकुर, तो राइफल काहे नहीं उठा लेते हो? ये सब का तुमको रामलीला लग रहा है का? आप तो एकदम नाराज हो गए महाराज। ठाकुर साहब तो बस पूछ रहे हैं। ललन, हम ठहरे कपटी लोग, हमसे होशियारी नहीं करना। हम अच्छी तरह जानते हैं तुमको और ठाकुर को क्या चाहिए। घबराओ नहीं, मरने से पहले तुम्हारा काम हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा भाभी, धीरज धरें। कुछ ठीक नहीं होगा जब तक ये ओझा गांव में, तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। ओझा? हाँ, ये देख, ये कीला भूख के गाड़े उसने। क्या? हाँ, ओझा ही मारा है तुम्हारे भाई को, वरना बैठे बैठे सर से खून ऐसे गिर रहा था जैसे मुझे खून कर दिया तुम्हारे भाई का। किसी पे लांछन लगाना ठीक नहीं है भाभी। ये तू कह रही है? जिसका जना खा गया हो? वो नहीं खाया है भाभी, हमारा बिरजू जिंदा है। वो वापस आए, वो जरूर वापस आए। बिरजू कैसा है महाराज? अच्छा है, खुश है। अब तो वो घर आ सकता है ना? आ सकता है, पर हर कार्य का एक नियम होता है, एक तौर होता है। पांव एक बार उठा लो तो हवा में तो रोक कर रख नहीं सकते, जमीन पर तो रखना ही पड़ेगा। तुमने बिरजू को आवाज दी, उसने सुन ली, वो मुड़ भी गया। अब मुड़ गया है तो आ भी जाएगा। पर बिरजू माँ किसको कहता था? दीदी को। तो फिर वो दीदी से डर क्यों रहा है? दीदी तो हमसे भी ज्यादा लाड़ करती थी बिरजू को, हम तो फिर भी थक जाते थे, मगर दीदी कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करती थी बिरजू को। बिरजू डर रहा है कि कहीं माँ जयदेव के मरने का गुस्सा उस पर तो नहीं उतारेगी, जलेगी तो नहीं वो तुम्हारी खुशी से। तो उपाय क्या है महाराज? ये कीलों का घेरा दिख रही हो, यही कील अब तक तुम्हारी बिरजू को रोके हुए है। कल की रात अमावस की रात है, अगर कल की रात तुम मागी के शरीर का एक कटोरा रक्त और उसके सर के 5 बाल लाकर इस घेरे में डाल दोगी तो तुम्हारा बिरजू वापिस आ जाएगा, वरना कल के बाद अपने बिरजू को हमेशा के लिए भूल जाना। पर दीदी का खून? माँ हो, समझना चाहिए कि पुत्र से बढ़कर कुछ नहीं होता, और बेटे के लिए तो कुछ भी बहुत नहीं होता।
मगर ये होगा कैसे? ये बुढ़िया रखो, शाम को सहदेव लौटे तो उसे चाय में मिला के पिला देना। वो सो जाएगा और फिर मागी को बस में करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। आप लोग चाहे मानो या मत मानो, लेकिन ये बात एकदम सच है कि बच्चा एक झटके में मर गया, फिर जयदेव मर गया, और वो भी अचानक है? अरे अभी तो अपने घर को खा रही है, लेकिन अगर कल तुम्हारे बच्चे पर या तुम पर नजर पड़ी तो ये मत कहना कि ललन बिहारी ने हमको वार्निंग नहीं दिया था। अरे ये बात हम डंके की चोट पर कह रहे हैं कि माघी डाइन है। दिन भर गए कुत्ते भैया, हम तुमसे बात नहीं करना चाहते। बात तो हम भी नहीं करना चाहते, तुझसे मारना चाहते हैं बस। अरे तुम जैसे घटिया लोगों की नजर लग गई है हमारे घर को। देखो बकबक करता है, चार लोगों के साथ बैठ के नेतागिरी करता है। तुम लोग भी ध्यान से सुन लो, किसी ने हमारे घर की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो आग लगा देंगे हम गांव में। किसी का एहसान एहसान नहीं मांगते हैं हम। सुन ले, और तू भी हमसे जितना दूर रह सकता है, हमारी खुपड़िया आउट है आज का। चल भाभी कहाँ है? नदी पे गई है। हमने मना किया था ना उन्हें अकेला छोड़ने को। कह रही थी वो अकेले जाना चाहती है। हमने क्या कहा वो समझ नहीं आया तुमको? अकल मेले में भूल गई हो का? परेशान काहे हो रहे हो? अरे साला लल्लन अनाप शनाप बकता हमारे घर के बारे में। का कह रहा था वो? कह कह रहा था वो? साला साला कहता है भाभी डायन, भाभी जयदेव भैया को खा गई, भाभी ने हमारे बिरजू को खाया। पर गांव वाले खड़े होकर सुन रहे थे बस, उसने कहा और मार दिया कि भाभी डायन है। चाय लेकर आते हैं। एक बात पूछूं, बिरजू याद आता है? हम भूल नहीं पाते उसे। हमरा बिरजू हमरे पास आने वाला है बहुत जल्द। कहाँ बक रही हो तुम? सच्ची तुम्हारी कसम। क्या हो रहा है? क्या पिलाया तुमने? कहा था दिया क्या तुमने? हम को तो बस यही पता है कि हम सुखदेव को सिर्फ बेहोशी का दवा दिया है, किंतु सुखदेव अब की बार जो सोएगा तो फिर कभी नहीं उठेगा। आखिरी वार कब करोगे? वो छा वार तो हो चुका है ठाकुर,
अब तो हम सिर्फ तमाशा देखेंगे और आग में घी डालेंगे। अरे ये सुखदेव ऐसे कहाँ सोया है? ओझा बोला है तुम्हारा खून लेकर आऊंगी तो हमारा बिरजू वापस आ जाएगा। नहीं गौरी, गौरी पागल है, पर आ जाएगा अपना बिरजू। गौरी छोड़, तूने गौरी को देख क्या हो गया? तूने गौरी छोड़, वापस आ जाएगा अपना बिरजू। खा गए हमारे बिरजू को तू? चार्जर इधर जाओ, देखो कहाँ, चार्जर इधर जाओ। आंखों पे लेप लगाए हो कहा? देखे नहीं जाते उसके घर के अंदर? पूरे परिवार को खा गई है डायन। अरे सिर्फ मारना आता है या जियाना भी आता है? हाँ
ये सारे गांव का मामला है, तुम लोग फैसला करो, इसको कहां सजा मिलनी चाहिए। पर एक बात याद रखना, आज अगर इसको जिंदा छोड़ दिया तो कल को आकर हमारे घर का दरवाजा मत खटके जाना। बोलो सजा है इसकी। डायन हो ना, जादू टोना करती हो, हाँ? इन दोनों को मारा है ना तूने, अपने देव देवरानी को। हम जिंदा कर दोनों को, वो दिल थूकी थी हम पर, हम तुझ पर थूकेंगे नहीं, खाली हंसेंगे तेरी दुर्गत पर। बांध दो इसे मुर्दों के साथ, बांध दो और दरवाजा बंद कर दो। रात भर मुर्दों के साथ रहेगी, मुर्दा खा या जिंदा कर दोनों को। डायन, अब तू मर, मर मर तू। मुर्दों के साथ। और सुनो, जान प्यारी है तो कोई यहां नहीं फटकेगा, वरना ये डायन सबको खा जाएगी। चल जाओ। हम जितना सोचे थे ये तो उससे भी बढ़िया हो गया। हम परेशान थे कि गौरी का क्या करेंगे, उसका माघी ने कर दिया, और माघी का हमने। महाराज, महाराज आपको मान गए। उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया आपने? कितना पाप करोगे ठाकुर, अपनी मौत खुद मर जाएगी। दो चार सांस ही तो बचा था, निकल गया होगा। कौन है? कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है? कौन है वो? ये तो माघी है। ये यहाँ कैसे आई? ओझा जी, इसके सर पे खून सवार है, हमें बचाइए ओझा जी, हमें बचाइए। हाँ हमें बचाइए, ये तो हमें मार डाले के ओझा जी, बचाइए। भाग उठा, भाग ललन, भागो, भाग।
बस यही तो हुआ था, मर गई मागी और जाते जाते संहार कर गई उन दुष्टों का। मैं तुम्हारी एक तस्वीर ले लूं? बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मैं चलती हूँ। कोई बात नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं।